Hello everyone, hope you all are fine. So in this particular video, we are going to deal with nutrition in amoeba. Amoeba ke nutrition ke baare mein padhenge. Iske alawa, paramecium ke nutrition ke baare mein bhi is particular lecture mein hum padhenge, theek hai? Amoeba aur paramecium dono hi kya hai? Dono hi aapke unicellular eukaryotic organism hai, theek hai? Aur in dono organism ke andar जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन कैसा होता है, लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. सिमिलरली पैरामीशियम के अंदर भी आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही देखने को मिलेगा. उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है? चलिए, तो अगर अमीबा की बात करूँ तो अमीबा के न्यूट्रिशन में पांच स्टेप होते हैं. देखिए, अलग अलग स्टेजेज हैं. स्टेज नंबर वन, फूड का इंजेशन होना. स्टेज नंबर टू, फूड में वैक्यूल का फॉर्मेशन होना, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होना. स्टेप नंबर थ्री, फूड का डाइजेशन होना. स्टेप नंबर फोर, फूड का अब्जॉर्प्शन होगा. स्टेप नंबर फाइव, फूड का एसिमिलेशन होना. एंड लास्ट स्टेप, जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए हैं उन सब का क्या हो जाना, उन सब का इजेशन हो जाना, वो सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो जाना, ठीक है? देखिए, स्टेप नंबर वन में क्या होता है, अमीबा जो है वो एनगल्फ करता है फूड पार्टिकल को. कैसे एनगल्फ करता है? बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इट्स बॉडी सरफेस कॉल्ड सूडोपोडिया. अमीबा जो है वो एक सूडोपोडिया, एक टेम्पररी फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है अपने बॉडी सरफेस से, ठीक है? देखिए, ये फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है और उसके अंदर जो फूड पार्टिकल होता है वो इस तरीके से आके ट्रैप हो जाता है, फाइन? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन का प्रोसेस, फाइन? सूडोपोडिया की मदद से फूड को क्या किया गया है, एनगल्फ कर लिया गया है, अमीबा ने अपने अंदर कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, ठीक? इसके बाद क्या होगा, व्हेन अ सूडोपोडिया फ्यूजेस विद द फूड पार्टिकल. अब ये जो सूडोपोडिया है ये क्या करेगा, इस तरीके से अपने आप को क्लोज करेगा और फाइनली क्या बनाएगा, इस तरीके से अमीबा के बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है? जब सूडोपोडिया फ्यूज करेगा फूड पार्टिकल के साथ तो वो क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा. देखिए, यहाँ फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस इनसाइड फूड वैक्यूल. अब इस फूड वैक्यूल के अंदर ही जो फूड अमीबा ने इंजेस्ट किया है उसको क्या किया जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा इस फूड वैक्यूल के अंदर ही, उस फूड का ब्रेक डाउन करके, ओके? दिस सब सिंपल सब्सटेंसेस आर देन डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म. इसके बाद जो सिंपल सब्सटेंस, ये जो सिंपल सब्सटेंस आफ्टर द डाइजेशन बना, ये सिंपल सब्सटेंस का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा अमीबा के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. तो देखिए, यहाँ डाइजेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया गया. अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया है, डिफ्यूज हो गया है साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके? क्लियर? डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखिए, द रिमेनिंग अनवांटेड मटेरियल, फूड का क्या हुआ, डिफ्यूजन हो गया, एसिमिलेशन हो गया पूरे उसके बॉडी के अंदर, जो भी फूड, जहाँ भी फूड यूटिलाइज होना था वो सब हो चुका. इसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल होगा, सब कुछ तो नहीं डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड अनवांटेड मटेरियल रह जाते हैं, तो जो रिमेनिंग अनवांटेड मटेरियल है उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा सेल सरफेस पे और उसके बाद उसको डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, थ्रो आउट कर दिया जाएगा. तो देखिए, यहाँ सेल सरफेस पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल भेजे गए हैं, फिर इस तरीके से एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर थ्रो आउट कर दिया जा रहा है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है. डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप थियरी आपको नहीं भी याद आ रहा है और आप डायग्राम बना देते हैं इस तरीके से लेबल करके, तो ऑफकोर्स आपको 70-75% मार्क्स जो होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है ना? मान लीजिए, अगर तीन नंबर का ये क्वेश्चन पूछा है या दो नंबर का ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको दो में 1.5, तीन में दो नंबर, इतने तो मिल ही जाएंगे आसानी से, ठीक है? तो डायग्राम आप बिल्कुल याद रखिएगा. नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे पैरामीशियम के अंदर डाइजेशन की, कि पैरामीशियम के अंदर डाइजेशन कैसे होता है. देखिए, डाइजेशन का जो प्रोसेस है
वो पैरामीसिम में भी तो सेम है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है, बस इंजेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं उसको डायग्रामेटिकली। देखिए ये जो है ये डायग्राम आपके एक पैरामीशियम का डायग्राम है, ठीक है। देखिए पैरामीशियम के पास क्या है, एक ओरल ग्रूव है जो कि किसकी तरह वर्क करता है, जो कि माउथ की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो पैरामीशियम क्या करेगा, इस ओरल ग्रूव में जो भी सॉलिड फूड पार्टिकल्स होंगे वहाँ कहाँ से एंटर करेंगे उसकी बॉडी के अंदर, ओरल ग्रूव के मदद से एंटर करेंगे। देखिए वाटर करंट है विद फूड पार्टिकल, इसको इसने क्या किया, अपने ओरल ग्रूव से एंटर कराया, इसमें जो भी इसके फूड पार्टिकल है वो सब भी एंटर कर गए, ठीक है ओके। फिर जाएगा इसके बॉडी के अंदर, फूड वैक्यूल फॉर्म होगा, फूड गया है तो ऑफकोर्स फूड वैक्यूल फॉर्म होगा। फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, अब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होगा उन सबको क्या किया जाएगा, उन सबको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। देखिए देयर इज अ रिजेक्शन पॉस ऑल्सो, इस पाथ से जो एक्स्ट्रा फालतू वेस्ट मटेरियल होगा वो सब बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए क्या होता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में, द फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। फूड जो है कहाँ से एंटर होगा, ओरल ग्रूव से एंटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फूड इज ब्रॉट क्लोज टू द ओरल ग्रूव बाय द सीलिया प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये सीलिया क्या करते हैं, जब आपका पैरामीशियम वाटर के अंदर फ्लो करता है तो ये सीलिया इन फूड पार्टिकल्स को इनके ओरल ग्रूव की तरफ भेजने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ओरल ग्रूव की मदद से फूड अंदर जाता है, फूड वैक्यूल बनाता है, डाइजेस्ट होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, फिर पूरा का पूरा एसिमिलेट होता है, फिर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो निकाल दिए जाएंगे, ओके फाइन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिशन जो है पैरामीशियम के अंदर वो किस तरीके से होता है, ओके। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में। देखिए कितने प्यारे प्यारे डायग्राम्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और वीडियोस को वॉच करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।